परे सुने जो प्रेम से वह हो जाए शुद्ध स्वरूप। यह 28वां अध्याय कार्तिक कथा अनूप। नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास का 28वां अध्याय। लेकिन उससे पहले, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक करें और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 28। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए? दोनों पार्षदों ने कहा, ब्रह्मन, पूर्व काल में त्रिणविंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से दो पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवृत स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्राह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दिया, तुमने मद से भ्रांत होकर शापो दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। तदनंतर वे दोनों गण नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्वजन का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गण नदी गया तो उस समय ग्राह ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो, समदर्शी बनो। कार्तिक माघ और वैशाख के महीनों में सदैव प्रातः काल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होवोगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न तीर्थ ही है। विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कल्हा के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है वह जगतगुरु भगवान की कृपा से उनका सान्निध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को प्राप्त करता है। यही पर हमारा 28वां अध्याय संपूर्ण होता है।
29वां अध्याय सुनने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर दे ताकि आगे के अध्याय आप आसानी से सुन सके। प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाया कार्तिक मास महात्म का 29वां अध्याय। जय श्री हरि। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 29। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कलहा द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझसे कहा जिसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना। हे नारद जी, ये काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था, कृपया यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्ण नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है, फिर भी चूंकि आपने पूछा है इसलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। चाक्षसु मन्वंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सह्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलवाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, के प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथास्मय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। ये बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषिमंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहां अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की प्रतिष्ठा होती है वहां पर दुर्भिक्ष मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। ये गायत्री ब्रह्मा जी की दाई और मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, के राजन, इस प्रकार त्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होंठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति है उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दे दिया है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोक नहीं बच पाएंगे। चूंकि यह श्राप तुमने बिना विचार किए दिया है इसलिए ये श्राप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा ये श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जलीभूत होकर अवश्यमेव नदियां बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, के राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से ककुदम्बती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वही सह्य पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई।
गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगीं। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का ये वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। यही पर हमारा 29वां अध्याय संपूर्ण होता है। उम्मीद है आप सभी को कथा पसंद आई। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें।